तो सैमसंग ने अपने बड़े बैटरी वाले फ़ोन यानी कि 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन फिर से लेके आ चुका है, एंड ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 18000 में। तो कौन सा फ़ोन है? सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है आज सैमसंग का, एंड सैमसंग का इस स्मार्टफोन में 6000 mAh के बड़े बैटरी देखने को मिल रहे, जो कि बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे। तो इस स्मार्टफोन में क्या खास है मैं आपको बताता हूँ, एंड क्या खराबी है वो भी बताता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। दो वेरिएंट में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। पहला है 6128 वेरिएंट का प्राइस है 18000, एंड दूसरा 8128 वेरिएंट का प्राइस है 19000। तो अब ये जो 18000 का बेस वेरिएंट में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो इस स्मार्टफोन में क्या खास है? तो सबसे पहले डिस्प्ले पे आया, तो डिस्प्ले 6.5 इंच एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। तो एमोलेड डिस्प्ले ठीक है, बहुत बढ़िया है, सुपर एमोलेड नहीं दिया है, फिर भी इस रेट में, इस प्राइस रेंज में एमोलेड डिस्प्ले भी बढ़िया है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड आफ्टर देन आपको प्रोसेसर की बात करें तो एक्जिनोस 1280 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। एंड आफ्टर देन आगे बढ़े तो यहाँ पे इसका बैटरी 6000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, जो कि इसका खास बात है इस स्मार्टफोन का। आफ्टर देन बहुत ही खराब नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया। तो 25 वाट का 6000 mAh के हिसाब से 25 वाट का मैं फास्ट चार्जिंग नहीं कहूँगा, अभी कहाँ 60 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अच्छे खासे मिल रहे इस प्राइस रेंज में। वही यहाँ पे 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया, तो 25 वाट का जो चार्जिंग सपोर्ट दिया ये 6000 mAh के हिसाब से बहुत कम है यार, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फुल बैटरी को चार्ज करने में। बट जो है इस प्राइस रेंज में, मीन्स मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था, ये चीज़ ख़राब दिया इस स्मार्टफोन में। आफ्टर दिन बढ़ते हैं कैमरा सेगमेंट में। कैमरा में आपको 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। उसके साथ ही आपको 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, एंड 2 megapixel का मैक्रो देखने को मिलता है। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 13 megapixel का आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा की बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक है, मीन्स बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत ख़राब भी नहीं कहेंगे, बट इससे और ज़्यादा थोड़ा अच्छा देते तो और बढ़िया रहता, बट इट्स ओके ओके लाइक। एंड इसके साथ आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है, जो कि वन यूआई 5.1 पे बेस्ड है। तो और ये गारंटी देता है कि ये स्मार्टफोन 4 ईयर तक आपको मीन्स कंटिन्यू अपडेट मिलते रहेगा। तो 4 ईयर का अपडेट के लिए आप खास रहिए। एंड ये स्मार्टफोन कब से मिलना स्टार्ट होगा? तो ये स्मार्टफोन 15 जुलाई से आपको अमेजन में देखने को मिल जाएंगे। तो 15 जुलाई से आप अमेजन में खरीद सकते हैं। 18000 का जो बेस वेरिएंट में प्राइस है स्मार्टफोन, ठीक है, मीन्स ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ख़राब है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है, इट्स ओके ओके लाइक है, मीन्स ठीक है, आप खरीद सकते हैं, मीन्स बड़ा बैटरी चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। बट इसका चार्जिंग सेगमेंट मुझे थोड़ा सा डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन लगा। तो ये स्मार्टफोन के बारे में मैंने बता दिया, ऐसे स्मार्टफोन के बारे में आपको बताते रहता हूँ क्या खास है और क्या ख़राब है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।